हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं सिर्फ 5 किशमिश खाने के क्या फ़ायदे हैं, और ये भी बताऊंगी कि गर्मियों के दिनों में इसे कैसे खाते हैं ताकि ये हमें गर्मी नहीं कर पाए, और सर्दियों के दिनों में इसे कैसे खाया जाता है। पहले जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। इसके अंदर यानी किशमिश के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेटर करने का गुण पाया जाता है। इसे खाने से, सिर्फ 5 किशमिश खाने से स्किन बहुत हेल्थी रहती है, और हम स्किन मतलब हमारा कलर जो होता है वो फेयर होता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बेटर न होने के कारण ही फेस पर पिंपल्स और पिंपल्स के जो स्कार्स रह जाते हैं, मोस्टली जो स्कार्स रहने का कारण है वो ब्लड का सर्कुलेशन बेटर ना होना ही होता है। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी बेटर बनाता है। एक चीज़ और बता दूं कि किशमिश के साथ साथ अगर 2 अंजीर भी यूज़ की जाएं तो उसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। जब ये बताएंगी कि इसके सर्दियों में इसको कैसे खाना है, वो गर्मियों में किशमिश को कैसे खाना है, तब बात करते हैं इस बारे में। इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। यह हार्ट अटैक जैसी हार्ट की बीमारियों से बचाने में बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यह एनीमिया की प्रॉब्लम यानी खून की कमी हमारे अंदर नहीं होने देता। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, यह कैंसर जैसी बीमारी से भी हमें बचाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यह सर्दी खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर देता है अगर हम रोज की 5 किशमिश खाते हैं। इसमें यानी किशमिश में बीटा कैरोटीन होता है। आपको ये चीज़ बता दूं कि जिस भी चीज़ में बीटा कैरोटीन होता है वो हमारी आँखों के लिए, आँखों की आईसाइट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और बीटा कैरोटीन इसके साथ गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए दिन में 2 गाजर ज़रूर खानी चाहिए। इसमें एजेलिक एसिड होता है, यह हमारे दांतों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिनको भी गम प्रॉब्लम होती है मुंह में, उनको यह ज़रूर खाना चाहिए। इसके साथ ही किशमिश के अंदर कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उन्हें 5 किशमिश ज़रूर खानी चाहिए। इसके अंदर बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो दूर करने का गुण होता है, इसीलिए जिनको हेयर फॉल प्रॉब्लम है उन्हें भी 5 किशमिश खाना बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ ही आपको बताना था कि इसको कैसे खाना है, तो किशमिश को जो सुबह खा रहे हैं, सर्दियों में अगर आप इसे खा रहे हैं तो सर्दियों में इसे खाने के लिए आपको रात जैसे भी किशमिश होती है वैसे सुबह 5 आप खा सकते हैं। लेकिन जब गर्मियों में खा रहे हैं तो किशमिश की तहसीर गर्म होती है, इसीलिए इसे जब गर्मियों में खाते हैं तो रात में पानी में भिगोकर और सुबह से खाना है, ताकि गर्मी न करने की बजाय ये सारे के सारे इसके जो गुण होते हैं वो हमें मिल सकें। इसके साथ ही मैंने आपको बोला था अंजीर के बारे में, किशमिश 5 के साथ अगर 2 अंजीर भी भिगो दी जाएँ तो अंजीर के अंदर भी बहुत फाइबर होता है। उसके अंदर छोटे छोटे से जो दाने होते हैं वो हमारी आंतों के लिए और आंतों की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, इसीलिए 5 किशमिश के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। और जो 2 अंजीर खाने के गर्मियों में दिनों में भी अंजीर को जैसे किशमिश को भिगोकर खाते हैं वैसे ही अंजीर को भी रात को भिगो दें और सुबह खाएं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन किशमिश के फ़ायदों के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।